बहुत बहुत नमस्ते स्वागत। नमस्ते। अंकिता जी, सबसे पहले बीए पास थ्री के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपका क्या किरदार होने वाला है इस फिल्म में? जी, बीए पास ये जो हमारी फिल्म है बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। एक परिवार की स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। कैसे रिश्ते बनते हैं, कैसे इस समाज में, जो बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि आज की जो घटनाएं घट रही है हमारे समाज में, उसी को लेकर ये फिल्म बनी है। और इसमें दुख है, दर्द है, प्यार है, खुशी है, माँ बेटे का रिलेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब आपको सारी चीज़ें इस फिल्म में मिलेगी। किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का किरदार है आपका? जी, मैं बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही साधारण सी, एक खूबसूरत सी शादीशुदा एक लड़की है, उसका किरदार निभा रही हूँ। कैसे उसकी ज़िंदगी इन सब चीज़ों में उलझती है, वो कैसे उसकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मेरा किरदार है। और आई होप कि सबको पसंद आए। किरदार को लेके क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? क्या किसी मैरिड वुमन से मिली थी आप, या फिर ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ था किरदार को लेकर? नहीं, बहुत ज़्यादा हमने, मतलब क्योंकि उस टाइम पे कोविड थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहा सभी लोगों के लिए पिछले 1 साल से, तो हम बाहर तो नहीं जा सकते थे इन सब चीज़ों को लेकर। पर हाँ, जितना मैं लोगों से बात कर सकती थी, जैसे मेरी मम्मा कह लो, या मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके घर में आंटीज़ हैं, या जो भी लोग हैं, मैं उन लोगों से थोड़ी कोशिश करती थी कि मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैं कितना, बिकॉज़ शादी नहीं हुई है तो मुझे उतना नॉलेज है नहीं, तो इसी वजह से मैं कोशिश करती थी कि शादी के बाद एक ज़िंदगी क्या हो सकती है, और एक लड़की की ज़िंदगी कैसे बदलती है शादी के बाद, वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ी जानने की कोशिश की। और रही बात वर्कशॉप की, तो हमने ऑलमोस्ट 1 हफ्ते वर्कशॉप की। सभी लोग बैठकर चीज़ें निकालते थे कि कैसे हम कैरेक्टर्स को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम उसमें चीज़ें हम एक्स्ट्रा कुछ कर सके, कुछ अलग से चीज़ें कर सके। और ये भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी हद तक मैं रियल लाइफ में भी वैसी ही हूँ, तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही मुझे चीज़ें। जैसे कि हम जानते हैं बीए पास की जितनी भी फ्रेंचाइजी आई है बहुत ही हिट रही है, और उनका जो बोल्ड सब्जेक्ट था वो लोगों ने काफी पसंद किया है, तो इसमें बोल्डनेस कहाँ तक होंगी? जैसे ट्रेलर में हमने थोड़ी सी झलकियां तो देखी है, लेकिन अगर आप बताएं हमें कुछ उस बारे में कि बोल्डनेस कहाँ तक होंगी और लोगों को स्टोरी कितना पसंद आएगी? जैसे कि देखा है हमने कि दोनों का मिक्सचर होता है बीए पास जो की जो दो फ्रेंचाइजी आई है। अगर आप दोनों फ्रेंचाइजी की बात करें तो इसका मतलब आपने बीए पास फर्स्ट और सेकंड ज़रूर देखी है, तो उन दोनों से कंपेयर करना तो बहुत गलत होगा, क्योंकि तीनों की स्टोरी, तीनों की कहानी बहुत अलग है। और रही बात बोल्डनेस की, तो बोल्ड, ब्यूटी, ये सब चीज़ें तो मैं एक ही बात जानती हूँ कि ये सब देखने वालों की नज़रों में होता है, इन सबके मायने सबके लिए अलग होते हैं। बट हमारी फिल्म में बोल्डनेस नहीं है, ब्यूटी है, और बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। एक पति पत्नी के रिलेशन को जितना हम जस्टिफाई कर सकते थे, जितना उसमें हम क्रिएटिव कर सकते थे, या जितना उस रिश्ते को हम जस्टिफाई करने के लिए चीज़ें दिखा सकते थे, प्यार, मोहब्बत, झगड़े, या जो भी आप कह लो, हमने कोशिश की है पूरी कि हम उन सब चीज़ों को आप तक पहुंचा सके, और उन किरदारों के साथ एक जस्टिफिकेशन कर सके। और डायरेक्टर साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनसे क्या कुछ सीखा आपने? डायरेक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा। हमारे नरेंद्र सिंह जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, कि उन्हें अगर कभी कुछ ऐसे लगता था कि नहीं अंकिता यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत ही प्यार से आके समझाते थे। या मैं कभी, कई बार होता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, तो आप एक नहीं, दो नहीं, 10 बार पूछते हो, तो वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, बहुत ही प्यार से चीज़ों को समझाते थे, बहुत ही प्यार से सबको हैंडल करते थे। और सबसे उनकी खास बात यह है कि वो सबकी सुनते हैं, मतलब अगर आप कुछ कह रहे हैं तो वो सुनते हैं, फिर समझाते हैं और समझते हैं चीज़ों को। स्पॉट बॉय हो, कैमरामैन हो, या मतलब कोई भी हो, सेट पर आर्टिस्ट हो, सबसे वो बहुत ही घुल मिलकर रहते थे, बहुत ही प्यार से बात करते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी कि किसी का औहदा बड़ा है या किसी का औहदा छोटा है, सब बहुत ही इक्वलिटी के साथ काम करते थे। और स्टारकास्ट कितनी सपोर्टिव थी और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सपोर्टिव
सनी सचदेवा और अरमान सिंधु, मतलब दोनों ही लड़कों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाती। जैसा आप देख सकते हैं मूवी में कि उनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा सीन हैं, तो उन दोनों के सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना कंफर्टेबल होके काम कर पाती। पर दोनों ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, उन्होंने मतलब हर एक चीज़ को लेकर मुझे बहुत कंफर्ट फील कराया हमेशा। और इन फ्यूचर भी बहुत सारी फिल्में आएंगी, लेकिन ऐसा कोई ड्रीम है आपका कि इस एक्टर के साथ मुझे काम करना है, या फिर किसी एक्टर से इंस्पायर होती है, अगर उस बारे में कुछ कहते हैं? ये इंस्पिरेशन की बात कहें तो इंस्पिरेशन तो मेरे बहुत सारे हैं, सभी लोगों में मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आती हैं। पर काम करने की बात कहें तो मुझे प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना है, मुझे अक्षय कुमार के साथ काम करना है, मतलब ही इज़ माई फेवरेट। तो बस ड्रीम्स तो हैं, बट अभी देखते हैं कितने सपने हमारे पूरे होते हैं और लोगों को हमारी कितनी मेहनत पसंद आती है। और कोविड का सिचुएशन भी चल रहा है, तो उसमें आप किस तरह के प्रिकॉशंस ले रही है, अगर थोड़ा सा उस बारे में कुछ बताएं? कोविड की तो क्या कहें, प्रिकॉशन की, देखिए प्रिकॉशन तो हम इतना ले रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर पा रहे अपनी मूवी का, जो हमने प्लान किया था सिटी टू सिटी या जो भी कह ले। तो डिजिटल ही हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और ज़्यादातर घर पे रह रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तो हम घर से नहीं निकल रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं चीज़ों को, उसके बाद बहुत ही मतलब सावधानी से चीज़ों को बरतना या जो भी आप कहते हैं। और मैं तो सबसे यही कहूंगी कि अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ आप घर से नहीं निकलिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसका इम्यून सिस्टम वीक है, किसका स्ट्रांग है, किस पर क्या इफेक्ट होगा। और इस टाइम पर हमारे इंडिया को सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि अक्षय कुमार से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है, जी अक्षय कुमार को भी अभी कोविड पॉजिटिव हो गया था, अब जी आई गेस नेगेटिव हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी हेल्थ के लिए, क्या प्रेयर करना चाहेंगे? उनकी हेल्प के लिए तो सारी दुनिया प्रेयर कर रही है, और मैं भी सेम प्रेयर ही कर रही थी कि जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज़ वो हमारे यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कह लो, स्पोर्टी पर्सनालिटी कह लो, ही इज़ दी ओनली वन जो कि हमेशा कभी जुहू पे दिखेंगे, कभी कहीं दिखेंगे, और हमेशा स्पोर्ट्स की बातें करते, फिट रहने की बातें करते। तो उनका फिट रहना तो बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में। और आपकी फिल्म 1 तारीख को रिलीज होने वाली है, वहीं राधे 13 तारीख को रिलीज होने वाली है मई की, जी तो क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रेलर देखा होगा, अगर कुछ कहना चाहे राधे के ट्रेलर के बारे में। जी मैंने राधे का ट्रेलर देखा, मुझे बहुत बहुत पसंद आया, और सलमान खान सर की मूवी को कौन रोक सकता है फिर। और आखिर में क्या कहना चाहेंगे, फिल्म फिल्म के बारे में क्या यूएसपी होगी, और ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए फिल्म, कब रिलीज होने वाली? इस फिल्म की यूएसपी तो यही कहेंगे कि इसकी बहुत खूबसूरत सी कहानी है, वही यूएसपी है फिलहाल तो। और बेसिकली बहुत परिवारिक फैमिली है इसमें, आपको प्यार मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, माँ बेटे के रिश्ते में कितना प्यार होता है, एक पति पत्नी के रिश्ते में कितना प्यार होता है, एक सास बहू का रिश्ता कैसा होता है, हर एक रिश्ते के बारे में बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बताया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ बताया हुआ है, जो कि आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, आप ज़रूर देखिएगा, फिल्मी बॉक्स ऐप पर प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा, बहुत ही सस्ता सा सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही अच्छा ऐप है, आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत कितनी पसंद आई। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।